एक समय की बात है, एक राजा हुए हैं मानधाता, इतने महादानी राजा थे कि उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। इसी बात का राजा को घमंड हो चुका था कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मेरे भक्त के लिए घमंड हो चुका है, मैं अपने भक्त का घमंड दूर करना है मुझे। आज भोलेनाथ अपना महात्मा का भेष बना करके राजा के बाग में आ जाते हैं और राजा से कहने लगे कि महाराज, आप हमारे बाग में रहना। भोलेनाथ कहने लगे, राजा मैं तेरे बाग में रह तो सकता हूँ, पर मेरी कुछ शर्त है। ये मेरी कुछ काया खराब हो चुकी है, काया को अगर तू ठीक करा दे तो तेरे बाग में रह सकता हूँ। तो भोलेनाथ से इन बातों को सुनकर राजा कहने लगे, महाराज मैंने सदा पराए काजी किए हैं, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, मेरे पास इतना बड़ा कोष खजाना है कि मैं तुम्हें ठीक करा के मानूंगा, चाहे सब कुछ क्यों ना बिक जाए मेरा, लेकिन तुम्हारी काया को ठीक करा दूंगा। अहंकार भरे हुए वचन कहकर क्या कहने लगे मानधाता, हरे तो कीने पर काज करा रे, कीने पर काज करा रे। अरे बड़े बड़े खर्चा करे राजा ने, निबटो माला खजाना है, और कुआ बेची बाबरी बेची तो राज पाट सब जानो है। हरे कई काली ने गहने की बेची, हरे तो जाने आभूषण कपड़ा रे। अरे सोटी ईटा खोटी किले की तो सब सामान निकारो है, और किले को दयो बांध चौतरा तो टूटो बचो उसारो है। अरे कई किलो बेच लयो बा राजा ने, अरे तो जाके बिक गए राजा।